बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे लॉजी लगा होता है, जिनका नाम हम पहले से सुने होते हैं लेकिन हमें उसका मतलब नहीं मालूम होता है। तो आज का ये वीडियो इसी पे बेस है कि हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स देखेंगे जिनका रूट वर्ड लॉजी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ शाहिन खान, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही हमने देखे कि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, सबसे पहले कि ये दिमाग में बिठा लो कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो बायो का मतलब हो गया लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। सेकेंड वर्ड जो है वो कार्डियोलॉजी। देखिए लॉजी का मतलब स्टडी है, तो कार्डियो का मीन्स क्या है, हार्ट, यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। सेम एज हेमाटोलॉजी। हीम वर्ड कहाँ सुने हमने, हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ब्लड में, यानी हीम का मतलब हो गया ब्लड और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन्स ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, यानी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, तो स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। डर्म के बारे में तो आई थिंक सभी को पता होगा, आपने डर्मिकूल का ऐड देखे हैं कि स्किन को कूल करने के लिए, सो डर्म का मतलब स्किन, अगेन लॉजी का मतलब स्टडी, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। जब बात आती है ओस्टियोलॉजी की, तो ओस्टियो वर्ड जो है वो रिलेटेड है बोन्स से, तो अगेन ओस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा फिर, स्टडी ऑफ बोन्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ रहा होगा। नेफ्रोलॉजी। देखिए नेफ्रॉन्स जो है वो किडनी में पाए जाते हैं, मालूम है हमें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, तो स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। ऑप्थैल्मोलॉजी, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, ऑप्थैल्मोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ आई। इकोलॉजी, ये तो एकदम कॉमन सा वर्ड है क्योंकि इकोलॉजी का हमको मालूम है, जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो इकोलॉजी को यूज़ किया जाता है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सो या इकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। हेपेटोलॉजी। हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल को कहते हैं, तो हेपेटोलॉजी किसे कहा जाएगा, स्टडी ऑफ लिवर को। नेक्स्ट देखते हैं कि एंटोमोलॉजी। एंटोमो वर्ड रिलेटेड है इंसेक्ट से, तो इसका मतलब हो गया कि एंटोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टार्स, आपने एस्ट्रोनॉट के बारे में तो सुने ही होंगे। नेक्स्ट है जियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ अर्थ, ये वो वाला जियो नहीं है, ये GEO है जिसका मतलब होता है अर्थ, तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वाटर। ओफियोलॉजी, देखिए ओफियो वर्ड जो है वो रिलेटेड टू स्नेक्स है, तो ओफियोलॉजी का मतलब आप समझ गए कि स्टडी ऑफ स्नेक्स। पैथोलॉजी, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये हमने पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं। एक्चुअल में पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो बीमारी की जांच करता है, तो पैथोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ डिसीज। वायरोलॉजी, तो वायरस से रिलेटेड यानी स्टडी ऑफ वायरस। जूलॉजी, देखिए जू में हम एनिमल्स को देखने जाते हैं, यानी जू का खुद का मीनिंग होता है एनिमल, और लॉजी का मतलब तो है स्टडी, तो जूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो का मतलब सेल होता है। एपियोलॉजी, देखिए एपिस वर्ड बी से रिलेटेड है, हनी बी से, तो एपियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ हनी बीज। इसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम बायोलॉजी में कई बार देखते हैं, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बायोलॉजी में हम पार्ट वन और पार्ट टू यानी बायो वन और बायो टू देखते हैं, जिसमें बायो टू जो है वो पूरा एनिमल बेस पे होता है, यानी जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं, तो वो पार्ट तो जूलॉजी हो गया, लेकिन जो पार्ट वन होता है उसमें हम प्लांट्स के बारे में पूरा देखते हैं, तो उसे कहते हैं बॉटनी। बॉटनी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी, तो ये तो सभी को पता है कि साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एक लास्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग। ऐसा नहीं है हमने कि सारे रूट वर्ड्स को यहाँ पर कवर कर लिए, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अभी हमने नहीं देखे,
तो हम उसे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज ज़रूर मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे नॉलेज मिल सके।